हाय गाइस, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये क्लोथिंग की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है टाइप्स ऑफ जीन्स, टाइप्स ऑफ टॉप्स, टाइप्स ऑफ स्कर्ट, और आज बारी है टाइप्स ऑफ ड्रेसेस की। तो कुछ ड्रेसेस हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ ड्रेसेस विद देयर नेम्स। बाकी की वीडियोज अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड नाउ मूव ऑन टू वीडियो। एंड गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ड्रेसेस हैं इनमें से जो मैंने ऑनलाइन परचेज की है, तो अगर आप उनको परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। सो द ड्रेस नंबर वन इज दिस सीक्विन ड्रेस। अगर आप इसको कहीं पर भी सर्च मारोगे तो सीक्विन ड्रेस लिखना है आपको और जस्ट सर्च करना है। और ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी। इसका कलर है पर्पल, ये काफी सारे कलर्स में अवेलेबल है। अब जो इसकी लेंथ है वो मेरे को नी से थोड़ी सी नीचे आती है, ये काफी सारी लेंथ्स में अवेलेबल है। और आई थिंक ये मस्ट हैव है क्योंकि पार्टी में ना ये वाली ड्रेसेस बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ज्यादा इन भी है। और ये थोड़ी सी स्ट्रेचेबल भी होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट हाँ थोड़ी बहुत ही देखने के लिए मिलेंगी। इसमें काफी सारे कलर पैटर्न डिजाइंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये मैंने परचेज की थी अमेजोन से। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो दिस इज ड्रेस नंबर वन, सीक्विन ड्रेस। एंड ड्रेस नंबर टू इज दिस हाई लो पैटर्न ड्रेस। ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से परचेज की थी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये थोड़ा शॉर्ट होता है और पीछे से ये लॉन्ग होती है। आप हम इसको टेल ड्रेस भी कहते हैं। तो ये भी ना आजकल बहुत ज्यादा इन है, ट्रेंड में है, हाई लो पैटर्न। इसमें स्कर्ट्स भी आती है, मैंने आप लोगों को स्कर्ट भी दिखाई थी इससे पहले, जो टाइप्स ऑफ स्कर्ट्स वाली वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ स्कर्ट भी शेयर की थी। तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसके ऊपर जो ये डिजाइन हो रहा है ना, वर्क लेस के ऊपर पर्ल लगे हुए हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लुक देते हैं पहनने के बाद। सो आई लव दिस ड्रेस एंड दिस इज ऑल्सो मस्ट हैव ड्रेस आज के टाइम में। तो द ड्रेस नंबर थ्री इज दिस मिडी ड्रेस। ऑल्सो ये थोड़ी सी हाई नेक आती है पहनने के बाद यहाँ तक। ये भी पार्टी वेयर ड्रेस है, पहनने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। मिडी में ना आपको काफी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न देखने के लिए मिल जाएंगे, बट ये मेरे पास फुल स्लीव में है। फुल स्लीव भी आजकल ट्रेंड में है, इन है, और इनका फैशन कभी भी आउट नहीं होता। अगेन ये भी सीक्विन ड्रेस है, बट ये पहनने के बाद बड़ी डिफरेंट लुक देती है। सो दिस इज फुल स्लीव्स मिडी ड्रेस विद लिटिल बिट ऑफ हाई नेक और टर्टल नेक। और ये मैंने शीन से परचेज की थी। यार जब से शीन बंद हुआ है ना, तब से मेरे को ऐसी ड्रेसेस देखने के लिए मिलती ही नहीं है। अर्बैनिक वगैरह उसके ऑल्टरनेटिव है, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर की थी अगर शीन के ऑल्टरनेटिव एप्स कौन कौन सी हैं, तो अर्बैनिक है और भी काफ़ी सारी आपको ड्रेसेस देखने के लिए मिल जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर, वो बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ती हैं। शीन एक ऐसी ऐप थी, मतलब जो जान थी आई थिंक गर्ल्स के लिए। ये ड्रेस मैंने बहुत सारी ऐप्स पर सर्च की, बट इस टाइप का मुझे किसी भी ऐप पर देखने के लिए नहीं मिला। तो और ये ड्रेस मुझे पसंद भी बहुत ज्यादा है, आई लव दिस ड्रेस। एंड गाइज, नेक्स्ट वन इज ऑफ शोल्डर ड्रेस। ऑफ शोल्डर आजकल इतना ज्यादा ट्रेंड में है कि आपको हर एक चीज में ऑफ शोल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक ये वाली एक मैक्सी ड्रेस है, बट ये भी मैंने ऑफ शोल्डर में परचेज की थी और ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी। बट इसकी फिटिंग और इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑफ शोल्डर में थोड़ी सी मतलब आपको प्रॉब्लम होती है, लाइक जब आप ऐसे झुकते हो तो वो थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो हमेशा ये देखकर ही लें कि जो इसका ये स्ट्रेच है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा हो, ये आगे की तरफ लटके ना। सो दिस इज ऑफ शोल्डर ड्रेस। टॉप, क्रॉप टॉप, या फिर आप कुछ भी लेते हो तो ऑफ शोल्डर इज इन ट्रेंड। तो ऑफ शोल्डर भी ना मस्ट हैव है, आप इसमें कुछ भी परचेज कर सकते हो, लाइक टॉप, क्रॉप टॉप या फिर ड्रेस। सो दिस इज मैक्सी ड्रेस विद ऑफ शोल्डर। एंड गाइज, नेक्स्ट वन इज दिस बॉडीकॉन ड्रेस विद मैश स्लीव्स। और ब्लैक में ही बॉडीकॉन ड्रेस अगर आप लोगे ना तो वो बेस्ट है, क्योंकि ब्लैक में आप और भी ज्यादा स्लिम लगते हो। अगर आपका थोड़ा सा टमी भी है और आप अगर ब्लैक वेयर करते हो तो ब्लैक में ना आप और भी ज्यादा स्लिम लगते हो। बॉडीकॉन में आप कैसी भी ले सकते हो, फुल लेंथ नीज तक या फिर शॉर्ट ड्रेस, आपकी मर्जी है, आप जैसी परचेज करना चाहते हो वैसी कर सकते हो। तो ये जो है मेरी नीज तक आती है, बिल्कुल प्लेन है, बट इसका जो नेक है ना वो थोड़ा सा डीप है, वी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा थोड़ा सा डीप नेक। तो इसके नीचे आपको कैमिसोल या फिर स्पेगडी वगैरह वेयर करनी पड़ेगी, बट इसकी स्लीव्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आई थिंक ये ऑर्गेन्जा में स्लीव्स है मैश वाली, और ये जो इसके ऊपर ये
ब्लैक कलर के फ्लावर बने हुए हैं, ये वेलवेट के हैं, तो ये पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक देती है। एंड इस टाइप की ड्रेसेस ना अमेजोन पर काफी ज्यादा अवेलेबल हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो दिस इज बॉडीकॉन ड्रेस। एंड गाइज नेक्स्ट वन इज दिस शर्ट ड्रेस। आई थिंक ये भी मस्ट है, ये हर एक गर्ल के पास होनी चाहिए, एक शर्ट जो थोड़ी सी लॉन्ग है जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में वेयर कर सकते हो। लाइक ये एक लॉन्ग शर्ट है, आप इसको एज अ ड्रेस भी पहन सकते हो, एज अ शर्ट भी पहन सकते हो, और इसके नीचे आप व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनकर इसको ओपन कर इसको स्टाइल कर भी पहन सकते हो। सो दिस इज मस्ट हैव शर्ट ड्रेस। और ये मैंने परचेज की थी मैक से लास्ट ईयर लॉकडाउन से थोड़ा पहले, तो मुझे ये भी ना ज्यादा पहनने का मौका नहीं मिला क्योंकि लॉकडाउन लग गया यार, बार बार लॉकडाउन लग जाता है और जितनी भी ड्रेसेस होती हैं वो सारी की सारी रखी रह जाती हैं, मैं ज्यादा पहन नहीं पाती। सो आई ऑल्सो लव दिस शर्ट, मैं इसको काफी सारे वेज में स्टाइल कर पहन सकती हूँ। एंड गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज दिस कैमिसोल ड्रेस, या फिर स्ट्रैप वाली ड्रेस आप इसको बोल सकते हो, एडजस्टेबल स्ट्रैप इसमें दी हुई होती है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये मैंने वी में ली थी और ये पॉलका डॉट है, तो ये हमेशा ट्रेंड में रहती है। और साथ में ही ना मैंने ये लेयर वाली ली थी, लाइक मल्टी लेयर इसमें बनी हुई है, आप इसको टायर ड्रेस भी बोल सकते हो और फ्रिल वाली ड्रेस भी बोल सकते हो, जो भी आप इसको कहना चाहते हो वैसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये मेरी तो फुल लेंथ में है, तो इसमें भी काफी सारी लेंथ्स अवेलेबल हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उसमें इसको परचेज कर सकते हो। अब कुछ गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है स्ट्रैप वाली ड्रेसेस पहनने में, तो इसके ऊपर ना आप व्हाइट कलर की शर्ट पेयर अप कर सकते हो, लाइक इसमें ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, तो इसके ऊपर ना व्हाइट शर्ट आई थी, तो इसके ऊपर आप व्हाइट शर्ट पेयर अप कर सकते हो। और ये फुल स्लीव्स की शर्ट है, ये भी मैंने अमेजोन से परचेज की थी दोनों चीज, तो आपको लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रंट में नॉट लगाकर इसको पहन सकते हो, तो बड़ी डिफरेंट सी लुक देता है और पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। सो गाइज दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वाली कंप्लीट सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। टाइप्स ऑफ जीन्स, टाइप्स ऑफ टॉप्स, टाइप्स ऑफ स्कर्ट एंड नाउ टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, जो भी गर्ल्स का मस्ट हैव होता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। न्यू सीरीज में आप क्या देखना चाहते हो मुझे कमेंट कर बता सकते हो, न्यू आइडियाज मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इनमें से आपको सबसे ज्यादा अच्छी ड्रेस कौन सी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय गाइज।